नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT त्रिची। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और बहुत बेहतरीन वीडियो में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं मास्टर्स स्टूडेंट लाइफ ऑफ IIT धरवाड़। जैसे कि पहले भी मैं बहुत सारे बेहतरीन IITs और NITs की स्टूडेंट लाइफ बना चुका हूं, और आप लोग जो भी मुझसे रिक्वेस्ट करते हो उस कॉलेज की मास्टर्स स्टूडेंट लाइफ लेकर मैं आ जाता हूं। इसी दौर में आज हम IIT धरवाड़, जो कि एक थर्ड जनरेशन IIT है, उसके ऊपर वीडियो लेकर आ गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होते हैं थर्ड जनरेशन IITs। देखिए, जो IITs 1970 के आसपास खुले थे उन्हें फर्स्ट जनरेशन IIT बोला जाता है। वो है टोटल 7। उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन IITs। जो भी IITs 2008 के बाद ओपन हुए हैं उन्हें सेकंड जनरेशन IITs बोला जाता है, और जो भी IITs 2016 के बाद ओपन हुए हैं उन्हें थर्ड जनरेशन IITs बोला जाता है। वैसे ही IIT धरवाड़ एक थर्ड जनरेशन IIT है। गाइज, अनअकैडमी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। हर संडे जनवरी 2 से लेकर 30 जनवरी तक होने वाले हैं, हर ब्रांच के लिए होने वाले हैं। तुरंत एनरोल करिए और यार आप तैयारी चालू करिए गेट के लिए। सेकंड चीज आ गई है गेट का कॉम्बैट। गेट के कॉम्बैट को देते रहिए। अनअकैडमी हर हफ्ते ऑलमोस्ट गेट का कॉम्बैट कराता है। यार 60 मिनट का पेपर है, 20 क्वेश्चन आने हैं, 5 ब्रांचों के लिए होना है। ऊपर से आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जो प्राइजेस हैं वो भी यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी लेकर आए हैं एंड गेम गाइडेंस प्रोग्राम फॉर ESE 2021 इंटरव्यू। आपके जैसे 4 ब्रांच जैसे CEEE ME ENT के लिए 10 से 17 जनवरी दिल्ली में यहाँ पर एंड गेम गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर चालू हो रहा है, जिसमें इंडिया की टॉप फैकल्टी देख सकते हैं, डॉक्टर SM आजाद सर, इसके साथ साथ SK मोंडल सर, प्रवीण कुलकर्णी सर, सुधाकर राव सर, जो IIM से, NIT से, IIT से और खुद ES ऑफिसर्स हैं, ये इंटरव्यू पैनल यहाँ पर होने वाली है। तो बढ़िया से तैयारी चालू कर दीजिए। इसके साथ साथ अनअकैडमी लाए है कई सारे बैचेस 2023-2024 गेट एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, जाइए, मेरा कोड यूज करिए SID12334। इन सारी चीजों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। 12 जनवरी से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए। अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए और गेट 2023 को भी क्रैक कर दीजिए। IIT धरवाड़ के सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 28 अगस्त 2016 को ये कॉलेज ओपन किया गया। धरवाड़ लोकेशन कहां पर है? धरवाड़ पड़ता है आपका कर्नाटका में। इसके पास में एक बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट भी है, हुगली। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि IIT धरवाड़ के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी जो IIT धरवाड़ है वो अपने टेम्परेरी कैंपस बालमी कैंपस में चल रहा है। बालमी का फुल फॉर्म है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इनका जो परमानेंट कैंपस है वो यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर 480 एकड़ के लैंड में बनने वाला है, वो भी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, धरवाड़ पहुंचना है तो कैसे? देखिए, धरवाड़ पहुंचने से, धरवाड़ एक छोटा स्टेशन है, धरवाड़ के पास एक हुबली करके स्टेशन है, आप वहां पहुंच सकते हैं, वहां के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। सेकंड चीज आती है, यहां पर एयरपोर्ट है। धरवाड़ के पास भी एयरपोर्ट है और हुबली में भी एयरपोर्ट है, तो आप एयरपोर्ट अपना, दोनों डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसके थ्रू भी आ सकते हैं। उसके बाद आप ऑटो कैब वगैरह प्रेफर करके आप धरवाड़ कैंपस के अंदर आ सकते। अभी जो कैंपस है वो टेम्परेरी है। इस कैंपस को जो मेंटोर कर रहा है वो कर रहे हैं IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के ही बहुत सारे प्रोफेसर यहां पर अभी क्लासेस लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं मास्टर्स में यहाँ पर कौन सी डिग्री होती है। मास्टर्स में यहाँ पे किसी भी तरीके का एमटेक नहीं होता है, सिर्फ MS होता है। ये जो MS है वो भी वो डिग्री 2019 से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर होता है आप MS इन मैकेनिकल, MS इन इलेक्ट्रिकल एंड MS इन कंप्यूटर साइंस। अब हम करते हैं सेकेंड बात, अगर आपको MS में एडमिशन लेना है तो आप कब ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? देखिए, MS में जो एडमिशन होते हैं वो समर में भी होते हैं, विंटर में भी होते हैं। समर में आप मान के चलिए करीब 10 से 12 की वैकेंसी आती है स्टूडेंट्स की, और जो विंटर होता है वहां पे 3 से 4 लोगों की वैकेंसी आती है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। मतलब जैसे कॉलेज की रिक्वायरमेंट है वैसे ही यहाँ पर डिमांड आने वाली है। एडमिशन कैसे होगा? देखिए, समर में जो होता है वो जनरली रिटन एंड इंटरव्यू के थ्रू होता है, पर आपको पता है 2019 से जैसे कोरोना चल रहा है
तो अभी क्या हो रहा था, समर में एसओपी हो रहा था, उसके बाद एमएस में किसी ब्रांच में दो इंटरव्यू और किसी ब्रांच में एक इंटरव्यू, जैसे मैकेनिकल में एक इंटरव्यू था, इलेक्ट्रिकल में दो इंटरव्यू थे। विंटर में क्या हो रहा था, विंटर में डायरेक्टली आपका शॉर्टलिस्टिंग हो रहा था और उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आ जा रहा था। कितना गेट स्क्वायर रिक्वायरमेंट है, आप ये मान के चलिए अगर आपका जनरल में 500 से 550 के बीच में गेट स्कोर है तो आपको जनरली यहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। जितने ज्यादा अगर आपके सीजीपीए रहेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा सिलेक्शन में। बाकी एमएस के लिए आपको पता है आपका जो थ्रू आउट अकेडमिक्स होता है वो काफी अच्छा होना चाहिए और आपकी जो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए वो काफी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर दो टाइप का एमएस होता है, एक एमएस होता है टीए और एक एमएस होता है पीए। टीए होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप और पीए होता है प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप। देखिए टीए ड्यूटी में आपको क्या होता है, जिस तरीके से एमटेक में आपको 12,400 रुपए मिलते हैं उसी तरीके से आपको 12,400 मिलेंगे, कॉलेज का प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा। पीए में क्या होता है, जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं टीचर्स के पास, जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो लोग एमएस निकालते हैं और उसमें जो स्टाइपमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, बस मोस्ट प्रोबेबली जो स्टाइपमेंट होता है वो 12,400 से ज्यादा ही मिलता है। जैसे किसी स्टूडेंट को 30,000 भी मिल सकता है, किसी को 15,000 भी, किसी को 20,000 भी, कोई फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन वर्क ये होने वाला है। आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको सिंपली जब आप फॉर्म भरोगे तो जैसे जिस ब्रांच में अगर पीए की रिक्वायरमेंट है तो पीए का वहां ऑप्शन आएगा और टीए का भी ऑप्शन आएगा, तो आप भर सकते हैं। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर पढ़ाई वगैरह कैसी होती है, लैब्स वगैरह कैसी है। लैब्स तो अभी देखिए स्टैब्लिश हुई है, काफी ठीक है लैब, जितने रिक्वायरमेंट है उतनी लैब यहाँ पर ओपन कर दी गई है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पढ़ाई होती है वो काफी अच्छी होती है, प्रोफेसर तो ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे से हैं मोस्टली प्रोफेसर, और भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, एमएस की डिग्री को बहुत ही अच्छी तरीके से कराते हैं। इसके बाद बात करते हैं रहने की और खाने पीने। यहाँ पर बता दूं कुछ गर्ल्स हॉस्टल हैं, कुछ बॉयज हॉस्टल हैं, जहां पर करीब 500 से 550 स्टूडेंट रहते हैं, पर कॉलेज अभी बीटेक वालों के लिए क्लोज है, कोरोना के चलते एमएस वालों के लिए खुल गए हैं, एमएस और पीएचडी के लिए, तो वो सारे बच्चे अब यहाँ पर रहते हैं। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह की सारी फैसिलिटी आपको टेम्परेरी कैंपस में प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर जो मैस है वो दो मैस है और दोनों मैस कोएड है, यहाँ पर मतलब गर्ल्स बॉयज एक साथ खाना खा सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर किसी भी तरीके का मैस में सेपरेशन नहीं रखा गया है। बाकी आपको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे सब मिल जाएगी। फीस की बात करें तो एमएस में जो टीए की फीस है वो काफी कम है, बट आप ये मान के चलिए जो पीए की फीस है प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप वाले, अगर आप वैकेंसी से जा रहे हो तो वो करीब 20,000 रुपए ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टीए ड्यूटी के, मतलब टीए की फीस से 20,000 रुपए कुछ पीए की फीस ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं वन एंड लास्ट थिंग, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स के लिए बता दूं एमएस के लिए प्लेसमेंट्स आते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी कोर कंपनी अगर बीटेक वालों के लिए आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग एमएस के लिए ओपन हो जाती है। तो ये मत सोच के चलिएगा जैसे एमटेक वालों को प्लेसमेंट मिलता है एमएस को नहीं मिलता है बहुत सारे कॉलेजेस में इतना ज्यादा, पर यहां पर एमएस को प्रायोरिटी मिलती है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नॉन कोर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पर मिल सकती है। तो प्लेसमेंट्स के बारे में आप इस तरीके से कुछ सोचकर दिमाग में मत रखिएगा। कंपनी अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ 8 से 8.5 का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज रहता है, जो कंपनी जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहां के स्टूडेंट्स के थ्रू मिली। बाकी ऑलरेडी आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और कौन कौन से कॉलेजेस के ऊपर बेहतरीन वीडियो ला सकता हूं। एक काम करते हैं हम लोग आपस में एक डिस्कशन करते हैं, आप मुझे बढ़िया बढ़िया मास्टर्स के कॉलेज के नाम मुझे सजेस्ट करिए और मैं आपको उस कॉलेज के ऊपर बढ़िया सा मास्टर्स का वीडियो लाऊंगा। और आपका काम क्या है, आपको यूनिक कॉलेजेस लेकर आने हैं, आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के ऊपर तो मैं वीडियो वैसे ही ला रहा हूं, और भी बहुत सारे मास्टर्स के सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आप मुझे नाम सजेस्ट करिए, वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन डीप इन्फॉर्मेशन इवन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तक मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस के लिए सिद्धार्थ लाइव परिवार के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।